नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी इन फीमेल्स. तो यहाँ हम फीमेल्स में प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स फंक्शनल एट प्यूबर्टी. सो फीमेल्स में प्यूबर्टी एज में रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हो जाते हैं एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज कॉल्ड एज मेनार्च विच यूजुअली अकर एट एज बिटवीन 10 to 14 ईयर्स. सो फीमेल्स में प्यूबर्टी एज 10 to 14 ईयर्स के बीच में होता है एंड इसी बीच में फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है जिसे हम मेनार्च कहते हैं. द मैच्योर फीमेल शोज साइक्लिक चेंजेस इन देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो प्यूबर्टी एज में मैच्योर फीमेल में साइक्लिक चेंजेस होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. मेंस्ट्रुअल मीन्स व्हाट? मेंस्ट्रुअल कम्स फ्रॉम द वर्ड मेंसेस. सो मेंस मीन्स मंथ. सो ये मंथली चलने वाली साइकिल होती है जो कि मैच्योर फीमेल में के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये साइक्लिक चेंजेस दिखाई देता है. सो दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस साइकिल कंटिन्यू अप टू मेनोपॉज. सो ये साइकिल कंटिन्यू रहती है मेनोपॉज. सो जब ये रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में 10 to 14 ईयर्स के बीच में, इसे हम कहते हैं मेनार्च एज. एंड ये स्टॉप होती है 45 to 50 ईयर्स के बीच में जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज. सो दिस साइकिल कंटिन्यू अप टू मेनोपॉज. मेनोपॉज तक कंटिन्यू रहती है एंड दिस नॉर्मली हैपेंस एट एज 45 to 50 ईयर्स. सो नॉर्मली जो मेनोपॉज का एज होता है ये 45 to 50 ईयर्स के बीच में होता है. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है 10 to 14 ईयर्स के बीच में, दैट इज़ मेनार्च. मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है 45 to 50 ईयर्स के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड एज मेनोपॉज. सो द पीरियड फ्रॉम मेनार्च टू मेनोपॉज, मेनार्च से मेनोपॉज का मीन्स 10 to 14 ईयर्स से 45 to 50 ईयर्स के बीच का जो पीरियड होता है दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल्स. सो इसी एज के बीच में मेनार्च टू मेनोपॉज के बीच में ही इसी एज में ओनली फीमेल्स कैन रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ टू यंग वंस. द फीमेल इज़ अनेबल टू बेयर चाइल्ड बाई नेचुरल मैथड आफ्टर मेनोपॉज. मेनोपॉज के बाद फीमेल्स चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकते नेचुरल मैथड से. यस, क्योंकि ये उनका रिप्रोडक्टिव एज मेनोपॉज के बाद स्टॉप हो जाता है. मेनार्च, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज आर कंट्रोल्ड बाय गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स. सो मेनार्च, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज कंट्रोल होता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन से एंड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स का सिक्रीशन प्यूबर्टी एज में हाइपोथैलेमस से होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, जहां से फिर FSH एंड LH हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनार्च या मेनोपॉज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो ये हार्मोन्स के बारे में हम आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल में पढ़ेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इन फीमेल्स.